सिल्वरिंग ऑफ लेंस का मतलब है कि आपने एक लेंस लिया, लेंस का एक हिस्सा सिल्वर कर दिया, सिल्वर पेंट मारने का मतलब वो मिरर बन गया, एक आधा क्या बन गया लेंस, आधा क्या हो गया मिरर, ठीक है। अब ओवरऑल ये क्या क्या कहलाएगा, लेंस कहलाएगा या ये मिरर कहलाएगा? ये मिरर कहलाएगा, ओवरऑल ये मिरर है क्योंकि सिल्वर हो चुका है, क्योंकि अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट होकर रे वापस आएगी। पर हाँ, सोचने वाली बात है कि आधा लेंस भी तो है आधा मिरर भी तो है, तो ये कैटेगरी ऑफ मिरर है। फाइनल जो फोकल लेंथ आएगी, ठीक है, लेंस और मिरर की मिला के वो मिरर की मानी जाएगी, वो लेंस की नहीं मानी जाएगी। पहला रूल क्लियर है। तो सबसे बड़ा रूल यही है, जब स्टूडेंट इसको पढ़ता है तो लेंस और मिरर ये कन्फ्यूज होता है कि फाइनली क्या माना जाएगा। तो पहला आंसर मिरर है। दूसरा, लॉजिक क्या लगता है? लॉजिक ये लगता है कि अगर आपकी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की रेज पहले लेंस में जाएंगी तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन, उसके बाद मिरर से टकराएंगी क्या होगा, रिफ्लेक्शन, फिर लेंस में वापस आएंगी रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। क्लियर हो गया? यानी कि पहला पार्ट लेंस करेगा, दूसरा पार्ट मिरर करेगा, तीसरा पार्ट फिर लेंस ही करेगा। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन की इक्वलेंट पावर क्या मानी जाएगी, लेंस की पावर, मिरर की पावर, लेंस की पावर का कॉम्बिनेशन। और इक्वलेंट फोकल लेंथ क्या मानी जाएगी, लेंस की फोकल लेंथ और मिरर की फोकल लेंथ। जैसी आप इसे सिल्वर करते हो, ये मिरर की तरह काम करता है, तो यहां पर ये रिजल्ट भी वैलिड है मिरर के लिए। फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज आर बाई टू, तो जो भी लेंस का रेडियस है उसको डिवाइड बाई टू करेंगे तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर आ जाएगी। जबकि ये रिजल्ट लेंस के लिए नहीं चलता, मिरर के लिए चलता है। क्लियर है यहां तक? यानी कि लेंस की कुछ वैल्यू से फोकल लेंथ आपको न्यूमेरिकल में गिवन होती है, लेंस की फोकल लेंथ से हम रेडियस निकाल लेंगे, उस रेडियस की हेल्प से मिरर की फोकल लेंथ आ जाएगी। ये हेल्पफुल रहेगा इसमें। याद तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? इसके अंदर एक और चीज मैं बताने वाला हूं, और वो चीज कब लगानी है, साइन कन्वेंशन। ये नोट करना, ये साइन कन्वेंशन सिर्फ और सिर्फ सिल्वरिंग ऑफ लेंस के लिए ही वैलिड है, ना पीछे ऑप्टिक्स में ना आगे के ऑप्टिक्स में, बस इसी में वैलिड है। और कहाँ लगानी है उसकी खास जगह है, वो भी आपको बताता हूँ कहाँ लगानी है। तो क्या खास पॉइंट है इसमें साइन कन्वेंशन का? अगर इस पूरे सिल्वरिंग ऑफ लेंस में, लेंस भी और मिरर भी है, इसको ऑप्टिकल डिवाइसेस बोलते हैं, है ना, लेंस और मिरर ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं। तो अगर ऑप्टिकल डिवाइसेस कन्वर्जिंग इन नेचर है, इंपॉर्टेंट है, अगर ऑप्टिकल डिवाइसेस कन्वर्जिंग इन नेचर है, जैसे मान लो आपने क्या किया, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल ली, आपने इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल ली और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई, तो बोलो कौन सा मिरर है, कनकेव ना। इसके अंदर वो कहता है कि अगर आपकी नेगेटिव पावर आ गई, यानी कि नेगेटिव फोकल लेंथ आ गई, तो वो एक डाइवर्जिंग लेंस है और डाइवर्जिंग मिरर है। क्योंकि नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव मतलब कनकेव है, और कनकेव क्या होता है, नहीं ऐसे उल्टा बोलते हैं तो ऐसे नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगी, मैं रिपीट करता हूं, इसको ऐसा बोलना चाहिए, जितनी भी इसके अंदर कन्वर्जिंग डिवाइसेज हैं, यानी कि लेंस अगर कन्वर्ज कर रहा है, मिरर अगर कन्वर्ज कर रहा है, तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है। और अगर कोई डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, उसकी फोकल लेंथ क्या मानी जाएगी, नेगेटिव। अब देखो अजीब सी बात है, डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं इसमें, नेगेटिव। अब ये उल्टा हो गया, आप हो गए यार ये क्या रूल बन गया। तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का रूल याद रखना, इसमें सिर्फ इस सिल्वरिंग ऑफ लेंस में याद रखना है, अदरवाइज कुछ नहीं करना है इसमें, बाकी सब नॉर्मल है। तो सिल्वरिंग में अगर कन्वर्जिंग बोलेंगे, कन्वर्जिंग, तो आपने बोलना है पॉजिटिव फोकल लेंथ, और अगर डाइवर्जिंग बोलेंगे तो आपने बोलना है नेगेटिव फोकल लेंथ, बस याद हो गया। कहां बोलना है मैं अभी बताता हूं। सपोज करो एक न्यूमेरिकल मैंने आपसे पूछा, ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ थिन प्लेनो कन्वेक्स लेंथ ऑफ लेंथ, फोकल लेंथ लिख लो, ऑफ फोकल लेंथ, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितनी, 15। तो एक ऑब्जेक्ट को रखा, इस ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पे रखा, 20 सेंटीमीटर पे रखा, प्लेनो
कन्वेक्स लेंस से और उसका प्लेन सरफेस को हमने क्या कर दिया, सिल्वर कर दिया। अब ये किस कैटेगरी में जाएगा, मिरर बन गया ये। अब मिरर कनकेव बना कन्वेक्स बना वो एक बार देख लेते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पता है, फोकल लेंथ आपको इसकी बता दी मैंने लेंस की कितनी है, 15 है। अब आपको बताना है फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। रूल नंबर वन, सबसे पहले इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होती है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है लेंस की फोकल लेंथ। लेंस की फोकल लेंथ कौन सा लेंस है, कन्वेक्स, कितनी, प्लस 15, तो यहाँ पे प्लस 15 लेंस की, प्लस 15, और मिरर प्लेन है, प्लेन की फोकल लेंथ इज इन्फिनिटी, 1/∞ क्या है, 0। तो यहाँ पर प्लस 15 प्लस 15 करके 2/15 सॉल्व करके क्या आ गई, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आ गई, 7.5। क्लियर है यहाँ तक। फोकल लेंथ क्या आ गई, पॉजिटिव। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आ गई, पॉजिटिव। तो ये कौन सा मिरर होना चाहिए, कन्वेक्स होना चाहिए ना। जो नई साइन कन्वेंशन है वो इस पॉइंट पे लगानी है। क्या कहती है साइन कन्वेंशन, कि अगर आपकी फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव, तो यानी कि डिवाइस क्या है, कन्वर्जिंग। प्लस फोकल लेंथ है तो डिवाइस क्या है, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब कौन सा मिरर बना, कनकेव बना, कनकेव बना, कनकर। कन्वर्जिंग क्या होता है, कनकेव होता है। अब आप नॉर्मल मोड में आ जाएं, पुराने क्वेश्चंस में बस आपको यही पता करना होता है कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग। तो आपने ये देख लिया कि फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो ये कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग कौन सा होता है, कनकेव होता है। तो कनकेव की फोकल लेंथ क्या लेनी आपने, नेगेटिव। ये देखो साइन उल्टा हो गया, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है सॉल्यूशंस में, कि आप डाउट लेके आते हैं सर ये क्या चक्कर है, अच्छा भला पॉजिटिव आया इसको नेगेटिव बना के बैठ गया। वो इसलिए वो सिर्फ चेक करता है कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग। तो अगर ये कन्वर्जिंग है तो आप मन में सोचें कन्वर्जिंग का मतलब कौन सा हो गया, ये इसमें कनकेव हो गया। और अब नॉर्मल मोड में आ जाए पुरानी साइन कन्वेंशन के साथ, कनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। यू आपको गिवन है, मिरर का फॉर्मूला लगा के वी आ जाएगा, डन, आंसर आ गया। तो पॉइंट समझ में आया कि क्या किया, वो जो नई साइन कन्वेंशन है वो सिर्फ ना वो ऊपर लगानी है ना वो नीचे लगानी है, वो सिर्फ इस पॉइंट पे लगानी है बस, ये चेक करने के लिए कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग। फिर देखो एक बार, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इक्वी कनकेव लेंस। तो आपका एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया हमने, ये इक्वी कनकेव लेंस है 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 30 सेंटीमीटर पे है। विच इज मेड अप ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 गिवन है, हैविंग फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी है इसकी, 30। कनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। अभी तक नॉर्मल साइन कन्वेंशन यूज करनी है। अब वो कह रहे हैं सरफेस ऑफ द लेंस को सिल्वर कर दिया, सिल्वर कर दिया, तो बताओ फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। ठीक, रूल नंबर वन, आप सबसे पहले लेंस मेकर लगाएं। लेंस मेकर के अंदर क्या रूल लगाएं, लेंस मेकर फॉर्मूला में आप एफ को नेगेटिव पुट करें, करेक्शन करना है यहां पर फोकल, क्योंकि ये क्या चल रहा है, कनकेव के ऊपर लग रहा है, कनकेव के ऊपर फोकल लेंथ क्या आएगी, नेगेटिव, -30 पुट करें, और ये नेगेटिव पुट करें और ये पॉजिटिव पुट करें। तो आप यहां पर पुट करें 1.5 माइनस 1 म्यू माइनस 1, तो ये करेक्शन करें ये स्टेप में। तो कनकेव में फोकल लेंथ को पुट करें -30, म्यू को पुट करें 1.5, R1 को पुट करें -R, R2 को पुट करें R। तो सबसे पहले सॉल्व करके आप क्या निकाल लें, R निकाल लें। तो इसमें कोई सिल्वरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल लेंस मेकर है, लेंस मेकर आपकी हेल्प करेगा R निकालने के लिए। R इसलिए निकाला जाता है क्योंकि अगर R 30 आ गया तो मुझे ये पता है कि अगर R 30 आ गया तो इसकी मिरर की फोकल लेंथ, तो मुझे पता लग गई 30/2 कितनी हो गई, 15। तो मिरर की फोकल लेंथ क्या हो गई, 15। क्या ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक। अब ये बताओ ये जो मिरर है ना, ये जो मिरर है इसकी फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। अब कॉम्बिनेशन पे चलते हैं, तो टोटल कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ का ये फॉर्मूला, फोकल लेंथ का ये फॉर्मूला, टोटल कॉम्बिनेशन में ये आपके पास जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ हमारे पास कितनी है, -30। तो -30 का मतलब -2/30, और मिरर की फोकल लेंथ यहां पर क्या होगी, -15। -15 क्यों, -15 क्यों, वापस चलें, -15 क्यों, अच्छा पुरानी नॉलेज पे चलें,
हमारी एक्चुअल नॉलेज क्या कहती है, इसकी शेप क्या है, कनकेव की कन्वेक्स, कन्वेक्स है, कन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है वैसे पॉजिटिव, पर मिरर के केस में ये डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, और डाइवर्जिंग का सेंस क्या बनेगा इसमें, नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिया जाएगा, -15, बाकी सब नॉर्मल है। मिरर के केस में डाइवर्जिंग का लगा के -15, तो ओवरऑल फोकल लेंथ माइनस आएगी, माइनस साइन का मतलब ओवरऑल जो मिरर बनेगा उसकी नेचर क्या होगी, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग कौन सा मिरर होता है, कन्वेक्स, डाइवर्जिंग कन्वेक्स होता है। तो एक्चुअल मोड पे आ जाओ तो फोकल लेंथ कन्वेक्स की क्या होती है, पॉजिटिव, यू पता है, वी निकाल लेना आंसर। तो ये साइन कन्वेंशन मिरर के लिए लगती है, नई साइन कन्वेंशन, और इस पॉइंट पे लगती है, बाकी कहीं नहीं लगती, बाकी नॉर्मल है।